हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थ्री एयरफोर्स स्कूल से एक साथ टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सैलरी मेंशन नहीं की होती है बहुत जगह पर, यहाँ पर क्लैरिटी है सैलरी के बारे में। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नर्सिंग असिस्टेंट एंड डॉक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट है, सभी के लिए सैलरी मेंशन की हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। यहाँ पर दिया गया नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। आपकी क्वेरी होती है कि क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा या क्या होगा, तो ये मेंशन कर दिया होगा कि एक डेमो क्लास लिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से और इंटरव्यू होगी। 30 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नाम चेक कर सकते हैं जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी के लिए 35,000 रुपीज पर मंथ, टीजीटी के लिए 30,000 रुपीज पर मंथ, पीआरटी जनरल स्पोर्ट्स कोचेस, डांस इंस्ट्रक्टर, बैंड इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इन सभी के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ₹17,500 पर मंथ फिक्स एंड डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर ₹50,000 पर मंथ फिक्स्ड। जो पोस्ट है वो है पीआरटी फुटबॉल कोच कॉन्ट्रैक्चुअल, नर्सिंग असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल, मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल, लैब असिस्टेंट जो डॉक्टर लिखा हुआ था वही है मेडिकल ऑफिसर, लैब असिस्टेंट अटल टिंकरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्चुअल, पीआरटी वेस्टर्न डांस कॉन्ट्रैक्चुअल, पीआरटी बैंड मास्टर कॉन्ट्रैक्चुअल, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सभी कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, पीआरटी जनरल है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है सभी पोस्ट और फिक्स सैलरी दी जाएगी, टीजीटी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इतने ही पोस्ट है। मीन्स पीजीटी में कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी में कंप्यूटर साइंस और टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन है, बाकी पीआरटी जनरल है और बाकी सभी सबसे मेन सब्जेक्ट्स नहीं है इसमें। और ये रिलीज हुई है कहाँ से, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स गोल्डन जुबली सुब्रतो पार्क न्यू डेली, तो न्यू डेली में है। और यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं, एक मिनट स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, आपका अगर सब्जेक्ट है तो आप आगे चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन न्यू डेली रहेगी। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचते हैं, ये पॉपअप ओपन होती है, इसको क्लोज कर दें और सबसे ऊपर टॉप पे नजर आएगी रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसको बस डाउनलोड कर लेना है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में है। ये 3 इसमें स्कूल्स हैं जहां पर वैकेंसीज फिल होनी है। तो ये 3 वेबसाइट्स अलग अलग दिए हुए हैं, प्रपोज इन्फॉर्मेशन टू बी होस्टेड ऑन स्कूल्स वेबसाइट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल्स। लास्ट डेट इसकी रहेगी 11 अगस्त से स्टार्ट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, 18 अगस्त से, मीन्स नाइट 10 अगस्त में बना रही हूँ वीडियो, आपको 11 अगस्त किसी वक्त ऑनलाइन पोर्टल ओपन मिलेगी एप्लीकेशन की। सेल एंड सबमिशन ऑफ ऑफलाइन है ये, सेल एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में मिलेगी 11 अगस्त 2022 से लेके 18 अगस्त 2022 तक आपको मिलेगी फॉर्म। वेन्यू ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ पर वेन्यू दिया हुआ है। एप्लीकेशन कॉस्ट आपको कुछ पे करना है क्या? नहीं पे करना है, कोई भी कॉस्ट नहीं पे करनी है। फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट एयरफोर्स स्कूल। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट ऑफ द स्कूल, तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिल करके फिर आपको यहाँ पर भेज देना, सबमिट करना है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली पे। अब वेबसाइट पर आप एक बार चेक कर लें और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है और कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं डेमो क्लास के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो फिर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वेन्यू फॉर इंटरव्यू भी यहाँ पर लिख दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास कहाँ पे होगा, लोकेशन ऑफ द स्कूल भी लिख दिया गया। बाकी आपका सब्जेक्ट अगर है तो क्वालिफिकेशन वगैरह की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, 55 ईयर्स एंड ऐसा दिख रहा है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग भी हो सकती है, मोस्टली सभी के लिए 55 ईयर्स दिख रही है एज लिमिट, एज लिमिट सभी के लिए 55 ईयर्स दिख रही है, तो ये अच्छी चीज है। अगर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, ये आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके दिए गए एड्रेस पर वेन्यू पे जाके सबमिट कर सकते हैं।
ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। बेस्ट विशेष।